हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। बच्चों, जैसे मैंने कहा था, सैम्पल पेपर वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अभी ये मैथ्स का सैम्पल पेपर टू अपलोड करने वाला हूँ, और इसी तरह मैं अदर जो सब्जेक्ट है, मतलब सोचो कि SST हो गया, मतलब SSC सोशल साइंस, साइंस का क्वेश्चन सोचो, तो मैं वो भी अपलोड करने वाला हूँ विथ आंसर। मतलब क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, उसके बाद आंसर भी दिखा दूंगा, तो तुम लोग अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करते हुए वो देख लेना। ये सभी जो है DAV का जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न है इस साल का, मतलब 2022 का। ओके, 21-22 का। अच्छा, अभी ये नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे मैथ्स में मुझे पता है जो बेसिकली अदर्स आर सेम। तुम लोगों के पास अगर 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसको भी प्रैक्टिस करके जाना। और यहाँ पे जो नया चीज़ ऐड किया गया है वो है केस स्टडी क्वेश्चन, केस स्टडी बेस जो क्वेश्चंस होता है उसको ऐड किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस वही नया चीज़ है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। अच्छा, और एक बात मैं यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा, पूछा था कि सर सिलेबस क्या है। सिलेबस देखो, साइंस का कुछ चैप्टर रिड्यूस हुआ है, बायोलॉजी का 2 चैप्टर रिड्यूस हुआ है, इस तरह का कुछ कुछ चैप्टर रिड्यूस हुआ है, कुछ कुछ इंक्लूड हुआ है, लेकिन मैथ्स का जो है पूरा जो 1 to 16 चैप्टर है सभी है, ठीक है। कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है इस साल 20, ये जो चल रहा है अभी 22, इस साल में कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं है मैथ्स का, ठीक है। चलो, मैं आज का जो सैम्पल पेपर 2 है उसको एक्सप्लेन करूंगा विद आंसर, मतलब विद सॉल्यूशन। तो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज सैम्पल पेपर 2। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। तो देख ही सकते हो 2020, 2021 एंड 2022, मतलब इसी साल का है। चलो, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तुम लोग अभी तक वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके देख लो कि डिजाइन कैसा होगा क्वेश्चन पेपर का, मतलब कौन सी मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन रहेगा। लाइक 1 मार्क्स का 16 क्वेश्चन रहता है। जो लोग ये वीडियो अभी देख रहे हो, सैम्पल पेपर 1 विथ सॉल्यूशन एक वीडियो है, और इसका डिज़ाइन का भी मैंने वीडियो बनाया है कि कौन सा जो क्वेश्चन है कितने नंबर का होगा। लाइक जो सेक्शन 1 का है, मतलब सेक्शन ये 1 है, ठीक है ना, ए नहीं है, ये 1 होगा सेक्शन 1। तो यहाँ पे क्या है, 16 क्वेश्चंस रहेगा और 5 ऑप्शनल क्वेश्चंस रहेगा, तो वो तुम्हें अटेंड करना है। तो इसी तरह मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, जाके देखो। चलो, आज का सेशन जो है सैंपल पेपर 2 का ये है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 स्क्वायर नंबर। बहुत आसान है, इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, फर्स्ट 4 स्क्वायर नंबर ऑफ दिस, इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। ओके, इसका एक फॉर्मूला भी है। चलो, फॉर्मूला करने की कोई जरूरत नहीं, बस हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन ये, क्योंकि तुम्हें पता है डिफिकल्टी लेवल का जो क्वेश्चन है वो 16 क्वेश्चन रहेगा 16 मार्क्स का, और इजी जो क्वेश्चन है वो भी 16 मार्क्स का, एवरेज जो है वो 48 मार्क्स का होता है। तो अभी 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। कुछ नहीं, 9 है, तुमको पता है, मतलब ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन है, वो है 9। क्योंकि देखो, 1 तो कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 भी नहीं है प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 4 कंपोजिट नंबर लेकिन ये इवन है, 5 भी प्राइम नंबर, 6 कंपोजिट लेकिन ये इवन नंबर, 7 प्राइम नंबर, 8 कंपोजिट लेकिन ये इवन नंबर है, लेकिन 9 जो है वो कंपोजिट नंबर एंड ऑड नंबर, तो उसका स्क्वायर होगा 7 to 9। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन है ये, देख लो एक बार। हाँ, यही होगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि अगर 1/4 to the power -2 है, मतलब क्या है, 4 स्क्वायर है, माइनस को प्लस करोगे तो ये नंबर रेसिप्रोकल तुम्हें लिखना पड़ता है। यहाँ पे 2 to the power 2 एंड 3 to the power 2, नाउ इसको स्क्वायर करो, 16 एंड दैट इज 4 एंड दैट 9, इफ यू ऐड देम यू विल गेट द आंसर। वही यहाँ पे किया गया है, देखो, गॉट इट, समझ में आ गया। चलो, अभी इसका ऑड को देखते हैं, ऑड नंबर जो है वो है ये, इसका सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें ये वाला आंसर मिलेगा, ये वाला देख लो, ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो ताकि तुम्हें पता लगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलो, 65 to the power x = 1, तो x का वैल्यू क्या होगा, शायद पूछा गया। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कुछ नहीं,
जीरो होगा, ये बहुत आसान है। एक्स टू द पावर जीरो का जो फॉर्म होता है वो, दैट कोई भी नंबर नॉन जीरो नंबर उसका पावर जीरो होता है वो हमेशा वन देता है वैल्यू। तो बस इसको लिखो, भाई वही लिखा गया है, तो आंसर होगा जीरो। चलो फाइव नंबर को देखते हैं। टू क्वांटिटीज क्यू पी एंड क्यू वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर, द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ इज इक्वल टू 20, मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ पी व्हेन क्यू इज इक्वल टू 20। क्यू का वैल्यू दिया गया है, पी का वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस एक्स बाई वाई जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो पी बाई क्यू का वैल्यू जो है वो है 3/4 बोला गया है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी P का वैल्यू पता नहीं है, Q का वैल्यू बोल रहा है 20, तो 3/4, 4/5 is 20, सो P इक्वल्स टू 3 × 5, 15, बस आ गया, ठीक है। इसी तरह सॉल्यूशन भी दिया गया, देख लो खुद से। ये P बाई क्यू कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि डायरेक्टली वेरी मतलब उसका डिवीजन कॉन्स्टेंट होता है। एक ट्रिक है मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, देखो डायरेक्ट वेरिएशन मतलब DI है, एंड DI फॉर डायरेक्ट, डायरेक्ट DI फॉर डिवीजन, ओके। सिमिलरली आई एन है इनवर्स वेरिएशन, आई एन फर्स्ट टू लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एंड आई एन फॉर इन टू ऑल्सो यू कैन एज्यूम, तो इन टू मीन्स मल्टीप्लीकेशन, डिविजन मीन्स डिवाइड। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, डिविजन का वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है, और इनवर्स में इन टू का वैल्यू मतलब मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है। मतलब पी क्यू अगर यहाँ पे बोला जाता कि पी क्यू इज इन आर इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन मीन्स इनवर्स वेरिएशन, तभी तुम्हें क्या करना था, P इंटू क्यू का वैल्यू कॉन्स्टेंट लिखना था। तो वो ट्रिक यहाँ से मैंने एक ट्रिक वीडियो भी बना के रखा है इसका, जाके मेरा न्यू चैनल जो है वहाँ पे जाके देख सकते हो, आर्ट ऑफ मैथमेटिका 2.0। अभी सिक्स नंबर क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस गिवन है ऑफ 10 पेन्स इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स, देन फाइंड द गेन परसेंट। बस सी पी ऑफ वन पेन 1 रुपीज होगा, भाई उसी तरह से किया गया, लेट हम लोगों ने मान लिया कि 10 है 1 रुपीज है, तो एस पी ऑफ वन पेन क्या होगा, ये 12/10 होगा, उसको माइनस करके ये मिलता है। अभी ये है गेन, क्योंकि एस पी बड़ा है, तो गेन डिवाइडेड बाय 100 यू विल गेट द वैल्यू, और सिंपली दैट 2/10 इज द गेन, नो, सो गेन इनटू 100 देन परसेंटेज, हियर वी शुड राइट परसेंटेज साइन देयर, देन यू विल गेट 20%, ओके। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है देखो 7 नंबर का, आई थिंक तुम लोगों ने पढ़ लिए हो, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, कुछ नहीं बट डिप्रिसिएट्स बोला गया, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड चैप्टर, तो ये होगा इसका सॉल्यूशन, देख लो। मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करने जाओ तो ये वीडियो 1 घंटे के ज़्यादा हो जाएगा। बस सॉल्यूशन तो पूरा दिया गया है, तुम लोग बस देखो, क्योंकि अभी ये तो प्रैक्टिस पेपर है ना, तो प्रैक्टिस पेपर में उतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होना चाहिए। तुम लोग क्वेश्चन को देखो, फिर सॉल्यूशन को देखो, अगर समझ में नहीं आया तो उस क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन नंबर को लेके मुझे कमेंट करना, मैं उस अगर हो सके तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा अलग से, ठीक है। चलो 7 नंबर हो गया, अभी 8 नंबर। तो ये है क्वेश्चन, इवैल्यूएटिंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करना होगा। ये देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि सेम वैल्यू मल्टीप्लाइड है, मतलब ये तो 1.73 का स्क्वायर है, यहाँ पे 0.27 का स्क्वायर है, तुम लोगों को पता है। अच्छा इसका और एक है, फैक्टराइज दिस, मतलब यू कैन से और एक क्वेश्चन, मतलब इन दोनों में कोई भी एक को तुम्हें अटेंड करना है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, जो डिज़ाइन वाला वीडियो है वहाँ पे जाके देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम हॉल में, क्योंकि ये बोर्ड पेपर है ना। अच्छा चलो फैक्टराइजेशन का सॉल्यूशन भी देख लो, ये है प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा गया, मतलब ये आंसर है, देख सकते हो। चलो अभी 9 नंबर को देखते हैं, इसको डिवाइड करने के बाद कुछ नहीं, बहुत आसान है, क्वेश्चन को देख लो, अभी ये है सॉल्यूशन। चलो अभी 10 नंबर, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ दिस, पी एक्स प्लस क्यू बाई पी इक्वल्स टू जीरो, बस कुछ नहीं, इसको बहुत आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो तुम लोगों के लिए तो ब्लेस्ड, तुम लोग तो ब्लेस्ड होंगे ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो, बस ऐसे देख लो, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है आई थिंक। चलो 11 नंबर, इन द गिवन फिगर पी पैरेलल क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, तो पहले तो तुम्हें एक्स एंड वाई का तो वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो अभी बताओ, अगर ये 70 है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वैल्यू आर इक्वल, तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। अभी देखो ये तो लीनियर पेयर है, तो सम ऑफ दिस टू एंगल इज व्हाट 180 डिग्री, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, अभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है उसके चलते ये वैल्यू है 70 डिग्री,
सो 2x प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180। ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि जियोमेट्री है, अगर इसको इधर लाओगे तो माइनस हो गया, ये 110 आएगा, तो x का वैल्यू आएगा 55। तो अभी x का y का नहीं पूछा गया है, x प्लस y का पूछा गया है, तो 55 प्लस हाउ मच 70, तो 125 डिग्री। ओके चलो देख लेगा सॉल्यूशन को, ये देखो ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। चलो अभी और पार्ट का भी देख लो, ये है सेकेंड पार्ट। इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, बस बोला गया कि बस फिगर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम साइड बोला गया कि इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो 2:3, देन फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल। देखो बोला गया कि ये दो एंगल है, सोचो 2:3 में, मतलब ये है 2x, ये है 3x। ओके तो इन दोनों का सम 2x प्लस 3x, सम ऑफ कोइंटर एंगल इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। अगर ये दोनों पैरेलल हुआ तो बस यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, देख लो चलो सॉल्यूशन को। ये देखो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 36 डिग्री। देन लार्जर एंगल मींस 3 जो रेशियो है वो वाला 3x वाला, तो 3 × 3 = 36, 108 डिग्री। चलो नेक्स्ट, फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ सिमेंट, यू नो दिस ऑल, पेंटागन रेगुलर मींस 5 होगा। अच्छा एंगल ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन नहीं, एंगल ऑफ रोटेशन बहुत आसान है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन से डिवाइड करना पड़ता है, 360 डिग्री बाय 5 यू विल गेट 72 डिग्री। चलो नेक्स्ट, फाइंड द बेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर हुज वॉल्यूम इज दिस, देख लो सॉल्यूशन। ओके बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम बाय हाइट यू विल गेट द एरिया ऑफ बेस एरिया। अच्छा नेक्स्ट ऑल्टरनेट क्वेश्चन, ये है ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आई थिंक तुम लोगों ने, तो ये है उसका सॉल्यूशन। एरिया का फॉर्मूला है दिस, तो डिवाइड करके सम ऑफ द पैरेलल साइड्स तुम्हें मिल जाएगा। ये तो ऑयलर्स थ्योरम है, आई शुड नॉट एक्सप्लेन दैट, फेस वैल्यू एज वैल्यू एंड वर्टिसेस, पिछले सैम्पल पेपर में मैंने वो ट्रिक भी बताया था कि कैसे याद रखोगे ऑयलर्स लॉ को, ठीक है चलो देख लो। यहाँ पे ये है ऑयलर्स लॉ। चलो अभी नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभी 15 नंबर जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड प्राइम नंबर्स इज दिस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इक्वल्स टू 7 प्राइम नंबर्स आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो 7/17 नंबर्स आर देयर, 7/17। चलो 16 नंबर क्वेश्चन, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल, बस ये तुम सबको पता है, बहुत आसान है। क्लास मार्क क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, मीन्स एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, विल गेट द आंसर। अभी ये बोला गया कि लोअर लिमिट x मान लिए, वही तुम्हें फाइंड आउट करना है, वो x है तो x प्लस 6, बोला गया 6 ज्यादा है अपर लिमिट, तो दिस इक्वल्स टू 10 विल गेट द आंसर, कैलकुलेट कर देते हो। चलो नेक्स्ट, इतना एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं फिर से कह रहा हूँ अगर कोई पार्ट में तुम्हें डाउट है तो वो पूछो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ये देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, चलो इसका आंसर यहाँ पे है। ओके चलो नेक्स्ट 17 नंबर, अभी 17 नंबर से क्या है पार्ट 2 सेक्शन 2 आ गया। सेक्शन 2 में केस स्टडी क्वेश्चंस है, तो केस स्टडी वाला ये फर्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी का, पहले तुम्हें ये अच्छे से पढ़ना होगा, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, फिर इसके हिसाब से ये क्वेश्चन को तुम्हें अटेंड करना है, 5 क्वेश्चन में कोई भी 4 को अटेंड करना है। तो ये है क्वेश्चन को पढ़ लो वीडियो को पॉज करके, अभी ये वाला है 5 क्वेश्चंस, हर एक का आंसर यहां पे है देख लो। ये है, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बस वीडियो को बना के दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को मिल जाए सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ऐप मेरे ऐप के बारे में पता नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से वीडियो बना के दे रहा हूँ, नहीं तो ऐप में तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा चलो अभी नेक्स्ट 18 का देखते हैं, ये वाला हो गया 5 में कोई भी 4 को अटेंड करना, ये हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन, जो जिन लोगों को हिंदी में चाहिए वो अच्छा वो लोग यहाँ से देख लो। चलो अभी 18 का क्वेश्चन देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 18, ये रोम्बस शेप दिया गया शायद। ओके अभी इसका क्वेश्चन है यहाँ पे, ए का सॉल्यूशन देखो एंड आर इक्वल, ठीक है फर्स्ट का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर बी सी डी ई का भी देख लो, क्वेश्चन देखो उसका आंसर देखो, यह है आंसर पार्ट और यह है क्वेश्चन। पॉज करके पहले एक बेटर होगा कि तुम लोग ये क्वेश्चन लिख लो, और नहीं तो एक बार इसको देखो और इस बार इसको आंसर करो, ठीक है। चलो मैं अभी नेक्स्ट में जाने वाला हूँ,
ये देखो बी का 20 मीटर, सी का क्वेश्चन देख लो, सी का आंसर है यहाँ पे 10 मीटर्स। अभी डी का देख लो, डी का ऑप्शन यहाँ पे है 3, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। एंड ई का भी देखते हैं, चलो ई का देख लो क्वेश्चन, यही का आंसर 12 मीटर्स। ओके चलो 19 क्वेश्चन नंबर 19, ये हिंदी में है, जो लोग हिंदी में समझते हो वो लोग हिंदी को देखो क्वेश्चन को। ये हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। वीडियो को पॉज करके तुम लोग देख लो, और ये है उसका आंसर। जो हिंदी भाषी हो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है 18 का। अभी ये है 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लो, पॉज करके वीडियो को पॉज करो और यहाँ इसको पढ़ो, पहले समझो। इस सिलिंड्रिकल शेप के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चंस को दिखाते हैं, ये है क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस। ए का क्वेश्चन को पढ़ो वीडियो को पॉज करके, ये देखो 9A का ये आंसर है। अभी 19B का देखो, ये वाला आंसर है ऑप्शन 3। 19C का क्वेश्चन पढ़ लो ऑप्शन 4, 19D ऑप्शन 2, 19E ऑप्शन 3। ओके नेक्स्ट, मतलब जो हिंदी में चाहते हो उन लोगों के लिए है। अच्छा ये क्वेश्चंस है, चलो अभी 20 नंबर। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो। ये लेबर है, ये सीमेंट है, ये ब्रिक्स है, स्टील, ये सुपरविजन है, ये टिम्बर है, ठीक है। अगर तुम्हें ठीक से नहीं दिखाई देगा तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर सोचो ये उतना प्रोमिनेंट नहीं है, अभी सोचो कि तुम्हारा नेट कनेक्शन ठीक नहीं है, तभी तो तुम्हें पढ़ने में ये दिक्कत होगा, तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, सुपरविजन, टिम्बर, लेबर, दीज आर द क्वेश्चंस। ए का जो 20A का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 20B का ऑप्शन नंबर 3 अगेन, 20C का ऑप्शन नंबर 4, 20D का ऑप्शन नंबर 1 एंड 20E का ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चंस का भी, क्वेश्चन को भी एक बार देख लो, ये है क्वेश्चंस और ये है इसका आंसर, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। चलो अभी पार्ट बी में आते हैं, सेक्शन 3। तो यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ये फर्स्ट देखो 21 का जो क्वेश्चन है ये वाला, ये तुम्हारी बुक के जैसे ही क्वेश्चन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसके हिसाब से तुम्हें बनाना है। चलो सॉल्यूशन भी देख लो, 1 मिनट। ये है सॉल्यूशन, मतलब देखो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है ना, तो अभी 2 प्लेस के बाद अगर यहाँ पे पॉइंट डालोगे तो यहाँ पे 2 प्लेस की जगह में यहाँ पे 1 प्लेस हो जाएगा। मतलब 110.25 अगर लिखोगे तो यहाँ पे 10.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू होगा 10.5। और यहाँ पे देखो चार वैल्यू के बाद, मतलब 4 में से 2 आएगा, उसका आधा कर लो, स्क्वायर रूट मतलब आधा होता है, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा 1.05 इसका वैल्यू होगा। वही है, बाकी का तुम कर सकते हो, देख लो। ये देखो बस माइनस करो, आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन, 21 2 मार्क्स का, ये स्टेप के लिए 1, ये और ये वाला 1। अच्छा और का भी देख लो, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वन ऑफ हुज मेंबर इज 18। कोई भी एक नंबर है 18 तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तो मतलब 2m 18 सोचो, तो m का 9 है, बाकी m² - 1 एंड m² + 1 को फाइंड आउट कर लो, तो आ जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। चलो नेक्स्ट, ये है 22 नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन है ये। 23 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, a - b का वैल्यू दिया गया है, a² + b² का फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं। यहाँ पे a² + b² का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो माइनस है, इसलिए हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब a - b² + 2ab। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे x - 1/x² + 2, q + 2, वो भी एक्सप्लेन कर देते। चलो ये देखो, अच्छा बोथ साइड में स्क्वायर करके भी कर सकते हो, हाँ ये मेथड भी हम लोग कर सकते हैं। चलो इसको, ये मेथड अच्छा है, इसमें ही करो, कोई बात नहीं, चलो इसमें ही सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी बुक में जो है ना ये वाला फॉर्मूला नहीं दिया गया है शायद, इसका फॉर्मूला कि a + b² - 2ab और a - b² + 2ab, ठीक है ना। चलो इसका आंसर होगा 83। 24 इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर सॉल्व करना है इक्वेशन।
एक्स नंबर भी एक्स, सो इक्वेशन फॉर्म करोगे तो ये वाला आएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो 75 इज द आंसर। ऑल्टरनेट मतलब इसको एक सॉल्व करना है, ये तो सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन है, बहुत आसान है ये, तो 12 आएगा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट ये है 25 नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे 25 नंबर का। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन में तुम्हें समझ कोई क्वेश्चन का आंसर तुम्हें समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करो, मैं उसका वीडियो बना लूँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। प्लॉट द पॉइंट्स एम एंड एन ऑन ए ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर में ये तुम्हें प्लॉट करना है, ये मैं क्या बताऊँ बोलो अभी इसको, इसके बारे में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी सच दैट, ये एक रेक्टेंगल है, वेयर ओ रिप्रेजेंट एज द ओरिजिन, तो ये ओ जो है रिप्रेजेंट ओरिजिन है। तो देखो यहाँ पे है एक सैम्पल पेपर है, ग्राफ पेपर से ये क्वेश्चन को कॉपी किया गया है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, पहले तुम्हें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करना है, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मार्क करना है, फिर 4,0 ये वाला होगा, 4,3 ये वाला होगा, 0,3 ये वाला होगा, तुम्हें सब कुछ पता है ये। तो अभी तुम्हें कौन सा किसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ पी, पी का तो 0.4.0 होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, इसलिए बस। ठीक है, पी का होगा 4.0। चलो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन जो है ये विजुअली चैलेंज के लिए, तुम लोगों के लिए नहीं रहेगा ये क्वेश्चन, तुम लोग इसको बच्चों अटेंड मत करना क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है, जो विजुअली चैलेंज है उन लोगों के लिए है। अभी जो सेक्शन 4 है ना, यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स का जो 27 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन ये है। ये देखो ऑल्टरनेटिव जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देख सकते हो अगर चाहिए तो, ये है उसका सॉल्यूशन 27 का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। अभी बेसिस आर सेम, सो पी इक्वल्स टू 4p-2 लिखो, फिर पी का वैल्यू 2/3 आएगा। ठीक है, चलो 28 का देखते हैं। एस प्लस 1/s = 11, एस -1/s कुछ नहीं, इसको बस अभी यहाँ पे तो तुम्हें स्क्वायर करो, फिर आ जाएगा ये वाला। अभी बताओ एस -1/s का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यहाँ पे एक्चुअली जो है 2a(1/s)b, तो इसको कैंसिल करोगे तो क्या होगा, दोनों ही कैंसिल हो जाएगा ना, एस एंड 1/s, तो 1 ही रहेगा मतलब 2 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है डायरेक्टली। तो ये 119 -2 दैट इज 117। नाउ एस -1/s का वैल्यू आएगा रूट ओवर, क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू ये है तो ये रूट ओवर आएगा। अच्छा बच्चों, और अच्छे से लिखना है तो प्लस माइनस यूज करना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता नहीं एस का एंड 1/s का वैल्यू कौन क्या है, तो प्लस माइनस यूज करना साइन। ठीक है चलो, क्योंकि स्क्वायर रूट करते हो तो हमेशा प्लस माइनस आता है। अच्छा और का पार्ट भी देख लेते हैं, एक्सपेंड दिस यूजिंग आइडेंटिटी, ऑल्सो मेंशन द आइडेंटिटी यूज्ड। क्या किया गया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर किया गया है, वही बोला गया है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए जो है वो है एक्स स्क्वायर, जो ये वाला वैल्यू है ए, ऐसे मन में सोचो मन ही मन में, और ये वाला है बी। ओके, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा हो रहा है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो ये सिंप्लीफाई करके ये मिलेगा, बोला भी गया है देखो ये वाला आइडेंटिटी यूज किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लो, हिंदी वर्सन में भी है इंग्लिश में भी है, तो ये है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉज करके सॉल्यूशन को देख लो, ये था 29, अभी 30 का क्वेश्चन। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये है 30 का आंसर। ओके चलो 31, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्पिटल, तो बस फूड प्रिजर्वेशन करना है, बस वो इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन तुम्हें आई थिंक करना है वो देख के। हाँ ये देखो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ डेज, ये वेरिएशन का जो फंडा है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब बताओ अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड डेज में क्या है, सोचो कि क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को एक बार देखते। चलो क्वेश्चन जो है बोला गया कि देर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, फूड प्रिजर्वेशन फॉर देम इज फॉर 20 डेज, तो जो 100 स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए खाना प्रिजर्व किया गया है। अभी बताओ ज्यादा स्टूडेंट बढ़ेगा तो खाना जो प्रिजर्व किया गया वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो वो कम दिन जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट नंबर बढ़ गया तो वो कम दिन जाएगा। अगर स्टूडेंट नंबर घट गया, मतलब सम ऑफ स्टूडेंट्स वो छुट्टी में घर चले गए, सोचो हॉस्टल में जो 20 डेज का खाना था, अभी कुछ खाना तो बच जाएगा ना। सोचो तुम्हारी घर में 4 मेंबर्स हो तुम लोग, अभी कोई एक
कहीं पे चला गया, सोचो कुछ काम आ गया जल्दी जल्दी में, वो चला गया कोई और जगह पे, तो वो उस दिन नहीं वापस आएगा, तो खाना बच जाएगा ना, ज्यादा खाना रह जाएगा, तो ज्यादा रहेगा मतलब वो बाकी 3 जन जो है वो दूसरे दिन खा सकते हैं, और नहीं तो वो ज्यादा ज्यादा करके खा सकते हैं। तो स्टूडेंट नंबर अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज का जो खाना प्रिजर्व प्रिजर्व है वो कम दिन चलेगा, मतलब नंबर ऑफ डेज जो है वो घट जाएगा। अगर स्टूडेंट नंबर कम हो जाएगा तो ये कम हो रहा है, तो जो प्रिजर्वेशन खाना है वो ज्यादा दिन चलेगा। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है, ठीक है ना। आई हैव टोल्ड ऑलरेडी कि इनवर्स रिलेशन अगर रहेगा तो उसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन में आई एन इनवर्स फॉर आई एन, आई एन वी आर एस ए सी। सो इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि आई एन, सोचो आई एन फॉर इनवर्स, आई एन फॉर इन टू ऑल्सो, इन टू मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। सो वही लिखा है, मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स द नंबर ऑफ डेज विल बी लेस, स्टूडेंट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज विल बी लेस, केस ऑफ इनवर्स, सी इनवर्स वेरिएशन, ओके ना। सो इनवर्स आई एन का सोचो, आई एन फॉर इन टू ऑल्सो, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, मतलब 100 × 20 दैट इक्वल्स टू जेड इंटू 125। यू कैन टेक जेड को, इसके बदले में तुम एक्स भी कोई भी मान सकते हो, कोई भी चूज कर सकते हो वेरिएबल, ठीक है। उन लोगों ने यहाँ पे एक्स एंड यहाँ पे वाई दिया गया ना, इसलिए ये अलग सा वेरिएबल चूज किया है, बस कैलकुलेशन करो आंसर मिल जाएगा। ये देखो 16 डेज, एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मैंने कहा ना उसका प्रोडक्ट होगा कॉन्स्टेंट, इन टू का वैल्यू होगा कॉन्स्टेंट, तो कैलकुलेशन करो आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट, इसका और भी एक पार्ट है, ऑल्टरनेटिव पार्ट, ये उसी चैप्टर का है, ट्रेन का जो साम है, ठीक है। ये एक्चुअली तुम्हारी जो बुक का एग्जाम्पल है ना, 10 नंबर एग्जाम्पल, उसका साम, मतलब लास्ट एग्जाम्पल, वो क्वेश्चन नंबर शायद 10 ही है, मुझे ठीक से याद नहीं है, आई थिंक 10 नंबर क्वेश्चन है। एक बार मैंने ठीक कहा तो एक बार कॉमेंट करके बताओ ना, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन भी वहां पे किया गया है, वो देखो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। आज ही मैंने मेरे स्कूल में ये एक्सप्लेन किया एक बच्चे को, इसलिए मुझे ये याद है। वहाँ पे बस डेटा जो है वो थोड़ा अलग है, वो था आई थिंक 350 एंड 150, ये वाला स्पीड सेम था उसके हिसाब से, मतलब उसी जैसा साम है ये देखो, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो बस यहाँ पे कर दोगे तो 50 सेकेंड में हो जाएगा, मतलब ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ओके चलो, 32, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल सो दैट दे आर पैरेलल, इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे, सभी 90 डिग्री है, तो सम ऑफ द कोइंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो इट इज अ या कोइंसिडेंट एंगल सप्लीमेंट्री, सो 180 डिग्री दैट मींस दे आर पैरेलल। सिमिलरली दूसरा वाला भी वैसे ही दिखा सकते हो, देख लो सॉल्यूशन एक बार। चलो अभी यहाँ पे भी देख लो बाकी पार्ट, हो गया शायद। चलो 33 का देखते हैं, इसका एक्चुअली बार, यहाँ यूज ग्राफ टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऋतु इन 2.5 आवर्स, तो ये वाला तुम्हें यहाँ पे ग्राफ पेपर में करना है, ये स्केल है, ठीक है। अभी डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऋतु इन 2.5 आवर्स इज 125 होगा, क्यों? देखो यहाँ पे तो ये क्या है, टाइम है, तो 2.5 आवर्स तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली 2.5, मतलब तुम अगर ग्राफ पेपर में इसको करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, इन दोनों के बीच में अगर लोगे ना वो यहाँ पे आकर मीट होगा, मीट करेगा। एक्चुअली ये यहाँ पे जो हो रहा है, एक्चुअली ये राफली किया है ये लोग, ये एक्चुअली यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2.5 मिलेगा, तो वहाँ पे आके मीट होगा, देख लेना एक बार करके, ठीक है। ग्राफ करो, तुम रिप्रेजेंट करो, तुम्हें पता लग जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे करो कमेंट, मैं सॉल्व कर दूंगा वो पर्टिकुलर सम, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, ये विजुअली चैलेंज के बच्चे के लिए, तुम लोग भी देख सकते हो इसका क्वेश्चन, इसका ये वाला क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर करने जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन 5 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का देख लो, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, ये देखो, ये थोड़ा बड़ा सा है, एक काम करते चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते, आई थिंक पूरा क्वेश्चन एक ही पेज में देख पाओगे तुम लोग, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम लोग, फिर समझो खुद से क्या हो रहा है या नहीं, ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया, देख सकते हो। चलो ये वाला क्वेश्चन था, हिंदी में भी है, और पार्ट भी देख लेते, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स में है 15% और ये 180 है, तो ये वाला फॉर्मूला है, ऐसा इक्वल्स टू पहले फाइंड आउट करो
फिर सी आई फाइंड आउट करो, फिर उनका डिफरेंस जो है वो बोला गया कि ये इसी का वैल्यू दिया गया है 100। ये तुम एक्स मान के भी कर सकते हो, ठीक है ना। इन लोगों ने 100 मान के किया है, मतलब जो प्रिंसिपल है वो उन लोगों ने चूज किया 100। आई थिंक तुम सबको समझ में आ चुका है, ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करो, बताओ, मैं वो वाला पर्टिकुलर सम हम सॉल्व कर देंगे। ठीक से क्वेश्चन को, मतलब जो वाला डाउट है ना, ठीक से मेंशन करना कमेंट बॉक्स में, तो मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन वीडियो बना दूंगा। ओके चलो, अभी ख़त्म होने को आया है, 35 का भी देख लेता है, और टू दो ही क्वेश्चन बाकी है। ये वाला है 35 नंबर का क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन है ये। पूरा सॉल्यूशन अच्छा चाहिए तो या एक काम करते, चलो छोटा कर लेते तो तुम्हें पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये देखो, डन, स्क्रीनशॉट ले लो, मार्क्स पार्ट मार्क्स भी तुम्हें समझ में आ जाएगा ये। अच्छा चलो, अभी 36, ये कंस्ट्रक्शन है, क्या कहूँ कंस्ट्रक्शन के बारे में, तुम सबको पता है। दो एंगल गिवन है, 135 डिग्री एंगल को मेजर, मतलब तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे 135 को, ये बहुत ही आसान ट्रिक है, मतलब ट्रिक नहीं प्रोसेस है। देखो पहले 90 डिग्री ड्रॉ करो, तो अभी दोनों तरफ 90 है ना। आप देखो इस साइड में तुम्हें, मतलब इस साइड से एंगल को मेजर करना है 135, इन्होंने किया है ये देखो इस साइड से। तो तुम क्या करोगे, इसको बाइसेक्ट कर दो, ये जो 90 डिग्री है यहाँ पे एक आर्क होगा ना, जैसे ये है ये वाला, तो यहाँ से कंपास को लेके यहाँ पे काट करो और यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो, बाइसेक्ट करके ऐड कर दो, ठीक है ना। फर्स्ट बाइसेक्ट करो फिर ऐड कर दो। अभी बताओ ये वाला क्या होगा, 45 डिग्री, क्यों 90 को बाइसेक्ट कर रहे हो, तो 90 प्लस 45 क्या होता है, टोटल 135। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है 135 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने का। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं इसका वीडियो अलग से बना दूंगा, एक वीडियो कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो 60 डिग्री 135 डिग्री फिर ज्वाइन करो, आ जाएगा प्रोसेस तुम्हें। अच्छा इन लोगों ने कहा है क्या स्टेप लिखना है, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेंट दिस दिस दिस, मेजर द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, यहाँ पे तुम्हें लेंथ ऑफ डायगोनल मेजर करना है। देखो अभी तुम्हें, तुम अगर कंस्ट्रक्ट करोगे तो अभी क्या करना है, उसके बाद डायगोनल को ज्वाइन करो, मतलब एस एंड क्यू को ज्वाइन करना एंड पी एंड आर को ज्वाइन करना, फिर स्केल से उसका मेजरमेंट कर लो और यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन विजुअली चैलेंज के लिए है, अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हो, तुम लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो खुद के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए, तो देख लो। यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है ये, ठीक है। चलो आई थिंक बच्चों अब सबको ये समझ में आया है। मैं देखो इसको सॉल्यूशन मतलब सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन को, मतलब 80 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तुम लोग उतने देर तक तो रहोगे नहीं। और ये देखो अभी कंसेप्ट वीडियो के लिए तो मेरा, मैंने पूरा सिलेबस बना के रखा है 8 का, वो जाके देख लो वो वाला वीडियो जो चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। और किसी पर्टिकुलर सम में अगर सोचो यहाँ से कोई पर्टिकुलर सम तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो मैं कह रहा हूँ ना, तो उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा और एक चीज़ है कि ये जो सॉल्यूशन मतलब इस टाइप से मैंने बनाया है, इसी तरीके से मैं SST एंड साइंस का भी बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है, तो आज के लिए मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगा नए पेपर को लेके, सैंपल पेपर को लेके। तो तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।